अखा दे विचों लगातार हंझू आ रहे ने। लगातार पर किसानों के वालों नौजवानों का जोश तुसीं तुहानूं लगातार दिखा रहे कि किस तरह उन्हां हंझू गैस के गोलियां ते काबू पाया जा रहा। पानी दियां बछाड़ां दे नाल स्प्रे वाले पंपां दे नाल पानी मारिया जा रहा। गिल्लियां पूरियां उन्हां हंझू गैस के गोलियां नूं दबिया जा रहा। लगातार उधरों दस्या जा रहा कि रबड़ दियां गोलियां कुछ असली गोलियां के जो फायर ने वह भी किए गए ने। शंभू बार्डर ते एक पासे सरकार के वालों मीटिंगां दे साथ लगातार उधरों पहला ड्रोन के जरिए जो कह दिए कि हंझू गैस सिटी जाती थी पर किसानों ने उसका एक तोड़ कढ़िया। अज जिते एक पासे बसंत है, बसंत नूं उन्होंने पतंग चढ़ाते गुड्डियां चढ़ाती जिस नाल वह ड्रोन का बैलेंस बिगाड़ देंगे ने। ड्रोन वापस हो जाता तो हुण उधरों ही जो कह दिए जो रफलों के जरिए जो हंझू गैस दियां बैनां ने उन्हां दे जरिए लगातार किसानां ते अटैक किया जा रहा। एक पासे किसान शांत महीने ते उधरों लगातार अटैक हो रहा। लगातार एक जो किसान अपना ऐलान कर रहे थे सरमन सिंह पंधेर जगजीत सिंह डल्लेवाल जदों कह रहे थे कि असीं शांतमई रहांगे मीटिंग तो बाद ही अगे वधांगे उदों जेकर मीटिंग बेसिट्टा रहिंदी आ उदों ही अगे जावांगे, पर उस वक्त भी उस मीटिंग दौरान भी जो हंझू गैस के गोले ने लगातार अटैक हुंदा रहा। तां किसान आगूआं दा कहना कि पहलां सरकार तो यह जवाब मंगिया जाएगा कि यह भारत पाकिस्तान की सरहद क्यों बना दी है। लगातार ये हंझू गैस के गोले सट्टे जाते हैं। उन्होंने कहना कि जेकर उन्होंने सवालों के जवाब सरकार देगा तो ही अगली एम एस पी की मंग से असी गल करांगे। उन्हां समा जिन्ना समा है साढ़े 100 तो वध किसान ने जख्मी हो गए हैं। जेकर उन्होंने जख्मियों की गल नहीं करे तो असी मीटिंग के उठ के वापस बाहर आ जाएंगे। तो नौजवानों का जोश एक बार फिर तो वाडर वालू हो चुके हैं। नौजवान तुम देख चुके हो एक बार हवा दे वालों साथ दिता जा रहा कि उधरों हंझू गैस सट्टी जा रही है। हवा हरियाणे वाल वापस जो धूआ है वह फौज की तरफ जा रहा। एक बार फिर जिस तरह कह दिए कि रब अंग संघ हो ही सहाय होकर किसानों के चल रहा। उस तरीके दे नाल जो हंझू गैस उधरों लगातार सट्टी जा रही है पर वह हंझू गैस उत्ते फौज के उत्ते भारी पै रही है क्योंकि अज हवा पंजाब के तरफ हरियाणे जा रही है। हरियाणे जो हवा जा रही है उस कारण जो धूआ सारा हरियाणे तरफ जाई जाता पर इधर किसानों ने अपने पहले ही पुख्ता प्रबंध किए ने। गिल्लियां बोरियां करके रखी ने पानी के बड़े बड़े टैंकर जिस दे नाल लगातार तुहाडे नाल शंभू बार्डर दीआं तस्वीरां सांझियां कर रहे हैं। किसानों के उपर लगातार प्रशासन के वालों बीते दिन लाठीचार्ज घट होया सी पर अज लाठीचार्ज करना हरियाणा प्रशासन के वालों शुरू कर दिता गया। एक पासे अथरू गैस तो जदों किसानों के वालों अगे वधण दे लई बैरीगेटां का सहारा लाया जा रहा तो प्रशासन के वालों उन्हां बैरीगेटां नूं एक पासे करके किसानों के उपर लाठीचार्ज किया जा रहा। अथरू गैस तां सट्टी जा रही है क्योंकि अज जो हवा का रुख पंजाब तो हरियाणे वाल आ कल हरियाणे तो पंजाब वाल सी इस करके अथरू गैस किसानों पर भारू पै रही थी। लगातार किसानों का सह रुक रहा है अखां दे विचों हंझू आ रहे थे पर अज जो हवा का रुख हरियाणे वाल हो चुके इस करके किसानों के उपर जो हंझू जो अथरू गैस आ हंझू गैस आ वह भारी नहीं पै रही। तो प्रशासन के वालों हुण किसानों के उपर लाठीचार्ज करना जो शुरू कर दिता। लगातार तुहाडे नाल सीधियां तस्वीरां देखो किस तरीके दे नाल किसान शांतमई ने किसान आगू के वालों ऐलान भी किया गया कि असी मीटिंग के लिए तैयार हाँ। शाम को मीटिंग होएगी उस मीटिंग के जेकर बेसट्टा रही है मीटिंग तो अगे दिल्ली कूच कर जावे। जेकर साड़ी मंग हरेक मंग लखीमपुर खीरी का इंसाफ एम एस पी की मंग ज होर भी जो मंगा ने हर किसान मजदूर का कर्जा जो खत्म किया जाए ज नरेगा की स्कीम है उसकी दिहाड़ी बढ़ा के 700 की जाए 200 दिन उसका काम किया जाए। जेकर यह मंगा सारिया मन लिया जाए उन्हें कहा कि किसी भी मंग से समझौता नहीं करांगे। जेकर समझौता नहीं होंगे तो जिस तरह सारिया का उन्हें कहा कि असी आगू फैसला नहीं लाँगे जिस तरह सारी नौजवानी का किसानी का फैसला होगा उस फैसले से दिल्ली कूच करांगे। पर इस वे एक्सकलूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि हरियाणा प्रशासन के वालों फौज के वालों सी आर पी एफ के वालों किसानों के उपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिता गया। बीते दिन ही लाठीचार्ज घट किया गया सी प्लास्टिक दियां रबड़ दियां कुछ असली गोलियां भी चलाई गई पर अज लाठीचार्ज किया जा रहा किसानों के उत्ते।